क्या शनि की साढ़े साथी से जूझ रहे हैं? क्या शनि के प्रकोप से परेशान हैं? तो इस शनि जयंती पर अपनाएं ये अचूक उपाय और बदलें अपनी किस्मत। शनि देव को ग्रहों के न्यायाधीश कहा जाता है। वो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को शनि देव आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों को राजा से रंक बना देते हैं। इस बार शनि जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। तो पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून की शाम 7:53 बजे से शुरू होकर 6 जून की शाम 6:06 बजे तक रहेगी, इसलिए शनि जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। जी, 6 जून को शनि जयंती आ रही है और सभी जानते हैं कि शनिदेव भगवान न्याय के देवता है तथा दंड अधिकारी कहे गए हैं तथा भगवान शनि के प्रकोप से अत्यधिक व्यक्ति के जीवन में अनेक लाभ हानि होती हैं तथा अनेक व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं तथा जिसके कुंडली में शनि साढ़े साथी या ढैया का समय चल रहा हो। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है या आप साढ़े साथी से जूझ रहे हैं तो इस शनि जयंती पर कुछ विशेष उपाय करके शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज से कुछ अचूक उपाय। उनके लिए शनि जयंती पर कुछ मुख्य उपाय जो अपन कर सकते हैं वो अनेक लाभकारी हो सकते हैं, उनमें से कुछ उपाय ये कहे गए हैं। पहला उपाय, शनि जयंती के दिन शनि देव के इन मंत्रों का जप करें। उ त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् शनो देविर्भिष्टये आपो भवन्तु पीते शन्योर्विश्रवन्तु नः उ शन शनाश्चराय नमः। प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह से उपाय कहे गए हैं, इसमें से कुछ मुख्य उपाय है जो कि भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार शनि यंत्र स्थापित करने के पश्चात प्रतिदिन भगवान शनिदेव के अपन आराधना कर सकते हैं, परंतु मान्यता है कि सिर्फ शनिवार को ही व्यक्ति शनिदेव का पूजन करता, ऐसा नहीं, हर दिन अपन भगवान शनिदेव को आराध्य कर सकते हैं तथा उनका मंत्र उच्चारण करें जिससे शनिदेव सुख संपत्ति आदि प्रदान करें तथा मंगल करें। दूसरा उपाय, शनि देव की प्रसन्नता के लिए व्रत रखें और गरीबों की मदद करें, इससे जीवन में आए संकट दूर होने लगते हैं। भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं तथा अनेक प्रकार का सुख प्रदान करते हैं तथा मंगल करने वाले होते हैं। और भी शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय कहे गए, उनमें से ये कुछ उपाय हैं। और भगवान शनि देव की आराधना में तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए तथा शुद्ध शाकाहारी भोजन करें तथा भगवान शनि देव की आराधना करें। तीसरा उपाय, हनुमान जी की उपासना करें। उन्हें सिंदूर, काले तिल का तेल, दीपक और नीले रंग का फूल अर्पित करें। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कि शनि जयंती के दिन भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन करें और उनको तिल के तेल का दीप लगाएं, भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा करें, उससे भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं। इसके ऊपर भी अनेक पुराणों में कथाएं कही गई हैं, भगवान शनि देव और भगवान हनुमान जी का संबंध कहा गया है। चौथा उपाय, तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव की पूजा करें। उन्हें काले तिल, नीले फूल और काले वस्त्र अर्पित करें। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला उड़द या काले तिल तथा कोयला, यह अपन दान दे सकते हैं, लोहे की वस्तु दान दे सकते हैं, उससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं तथा साढ़े साथी आदि ढैया में भगवान शनिदेव राहत देते हैं तथा उसमें शांति देते हैं तथा वो भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के मंदिर जावे तथा उनको नीले पुष्प अत्यंत प्रसन्न है, नीले पुष्प भगवान शनिदेव को अर्पित करें जिससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होवे। पांचवा उपाय, शनि चालीसा का पाठ करें। इससे भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और साधक पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। शनि जयंती के दिन भगवान शनि यंत्र का पूजन कर करके भगवान शनि देव की आराधना कर करके शनि यंत्र स्थापना करें। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, तामसिक भोजन जैसे मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें, खासकर जिन लोगों की कुंडली में शनि की साढ़े साथी भैया या महादशा चल रही हो, इससे दुष्प्रभाव का असर और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस शनि जयंती पर इन अचूक उपायों को अपनाएं और पाएं शनि देव का आशीर्वाद। क्या आपकी किस्मत बदलने वाली है? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट।